तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हमारे साथ सिंगरौली विधायक राम लल्लू भैया, सिंगरौली भाजपा जिलाध्यक्ष बीरेंद्र गोयल, सिंगरौली मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष विजय वैश एवं सिंगरौली मंडल महामंत्री विनोद कुरवंशी मौजूद हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 4 तारीख को प्रदेश सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उस विषय को लेकर हमारे साथ जो सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं कि इस विषय को लेकर जो है इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई तिवारी जी। प्रदेश सरकार ने चुनाव के वक्त वचन पत्र जो उन्होंने अपना जारी किया था, उसमें किसानों की ऋण माफी 2 लाख रुपए तक का वो एक भी नहीं हो पाया। बिजली बिल अनाप शनाप आ गई, बिजली बिल बढ़ गए, उसके खिलाफ आंदोलन, विभिन्न प्रकार के वो जो उन्होंने वादा किया था कि उद्योग जो स्थानीय हैं उन्हें हम 70% रोजगार दिलाएंगे, वो भी एक भी आदमी का आज तक नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारों को 4000 भत्ता देंगे, एक भी किसी युवक को आज तक भत्ता नहीं मिला। इस तरह के तमाम उन्होंने सैकड़ों वचन पत्र दिए थे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो सड़क बनाने के लिए बात हो रही, साल भर बीत गया, कहीं कोई नाम नहीं ले रहा। इस तरह से तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम सब अभी आंदोलन करेंगे 4 तारीख को, और वहां पर आप सब रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार के कानों तक हम लोग आवाज पहुंचाएंगे कि जो वादा किए हो उसे पूरा करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। देखिए, सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश के द्वारा बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार चुनाव के समय किसान ऋण माफी का बात किया था उसको पूरा नहीं किया है। बिजली माफी का बात हुआ था, बिजली जहां कनेक्शन नहीं है, जहां ट्रांसफार्मर नहीं है, उस घरों में भी बिजली का बिल आ रहा है। रोजगार की बात भी विधायक के द्वारा बताया जा रहा है कि रोजगार के विषय में भी कांग्रेस जो है चुनाव के समय वादा किया था, लेकिन रोजगार के विषय में भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमारे साथ सिंगरौली जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष बीरेंद्र गोयल जी बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात कराते हैं किस विषय को लेके ये 4 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक किसान इस वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। यह कांग्रेसी सरकार जिसने कि चुनाव के समय में विभिन्न तरह के वायदे किए थे कि हम 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ कर देंगे, इस अभी सरकार के बनने के बाद भारी वर्षा से, ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ, यह केंद्र सरकार पर डाल रही है। आज तक उनको राहत राशि प्राप्त नहीं हो सकी। 70% यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी भी कागज में दिखाई दे रहा है किसी भी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा कि बिजली बिल दिन प्रतिदिन लोगों के हाथों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बिजली बिल बढ़े हुए दरों से भी लागू हो चुकी है, लेकिन वो बिल ही भर हैं, कहीं पर बिजली नहीं दिखाई दे रही है। इन सबों के विरोध में हम किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जिला मुख्यालय जिला सिंगरौली बैढ़न में हम लोग 4 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और इस मध्य प्रदेश की सोई हुई सरकार को एक जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे सभी जनता के माध्यम से हम लोग यह बात वहां तक पहुंचाने पर विवश हो रखे हैं कि यह सरकार जो सोई हुई है यह जल्दी जागे और जैसा जैसा वायदा किया था चुनाव के समय में उसको लोगों के बीच में पूर्ण कर सके। देखिए, सिंगरौली जिला अध्यक्ष द्वारा भी प्रदेश सरकार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, इनके द्वारा भी वही बात को रिपीट किया जा रहा है और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया किसानों के समर्थन में 4 तारीख को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ सिंगरौली मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी जी बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं कि इनका क्या कहना है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस को साथ में लेके अपने जिले के अध्यक्ष के श्री वीरेंद्र गोयल जी के आह्वान पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो शोषित पीड़ित गरीबों के लिए काम करती है, और जब सत्ता से बाहर रहती है तो
सत्ता में रहते हुए भी उनके लिए योजना बनाती है, उनके हित का काम करती है और सत्ता से जब बाहर रहती है तो उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर सरकार के को जगाने का काम करती है, सरकार के प्रति उसकी आम जनमानस के प्रति निष्ठा रखते हुए सरकार को सजग करने का प्रयास करती है। इसी तारतम्य यह आयोजन प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम लोग को दिया है, उन्होंने दिया है और हम पूरी ताकत से जगह जगह वार्ड वार्ड पंचायतों में हम बिजली का बिल इकट्ठा कर रहे हैं। आम जनमानस बिजली के बिल से ज्यादा त्रस्त है इस समय। सामान्य तौर पर देखिए तो इस समय आप पुलिस प्रशासन की स्थिति देखिए तो इन थानों में अपराधी क्रिमिनल इस तरह के लोगों की बैठकी नजर आएगी और जब जब कांग्रेस की सरकार जहां जहां जिस प्रदेश में होती है तो ये आपराधिक तत्व ही फलते फूलते हैं, आम जनमानस को ध्यान में नहीं दिया जाता। आप देख रहे थे सिंगरौली मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी द्वारा भी जो है प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के जमाने में पुलिस प्रशासन की भी मनमानी देखने को मिल रही है। जितने क्रिमिनल चोरिंग के द्वारा बताया जाए क्रिमिनल लोगों की बैठक जो है आजकल पुलिस प्रशासन के पास ज्यादातर होते नजर आ रही है। हमारे साथ सिंगरौली जिले के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष विजय वैश जी बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनकी क्या राय है इस विषय पर। देखिए इस विषय पे कांग्रेस की सरकार आने से पहले जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वादे किए थे लोग किसानों के कर्ज माफी के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, बिजली माफी के लिए, उस किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस की सरकार ने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया है। और जो बिजली बिल आज आ रहा है, 200 रुपए का जो बिजली बिल जला रहा है उसका 10,000 रुपए का बिल आ रहा है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इसी सब विषय को लेकर हम लोग चार तक जो धरना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रही है। हमारे साथ सिंगरौली मंडल अध्यक्ष के महामंत्री विनोद कुरवंशी जी बने हुए हैं, आइए हम इनसे भी सुनना चाहेंगे कि ये किस विषय को लेकर जो है 4 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को ठगने के विरोध में हम 4 तारीख को उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में करने जा रहे हैं। इसके कई मुद्दे हैं, सड़क बिजली पानी, अपराधी तत्वों को परफाना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए इसका पुरजोर विरोध करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अभी तक आप देख रहे थे सिंगरौली विधायक, सिंगरौली भाजपा जिलाध्यक्ष, सिंगरौली मंडल अध्यक्ष, सिंगरौली नगर पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, सिंगरौली मंडल महामंत्री, इन लोग जो है काफी प्रदेश सरकार पर नाराज नजर आ रहे हैं जिस विषय को लेके ये किसानों को साथ में लेकर 4 तारीख को सिंगरौली बैरन कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं प्रदीप तिवारी, कैमरामैन वंशमणि द्विवेदी के साथ टुडे 24 न्यूज सिंगरौली।